10 अक्टूबर को भंडारा शहर के खान तालाब में श्री राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन विधायक नरेंद्र भोंडेकर एवं श्री राम उत्सव जीर्णोद्वार समिति द्वारा किया गया। बता दें, इस पावन अवसर पर गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने सुरीले आवाज से श्री राम के गाने से सभी भक्तजनों का दिल जीता। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि भंडारा से श्री राम जी के आने से भंडारा का विकास कार्य शुरू हो गया है। इससे पहले यहाँ की जनता बाहर घूमने नहीं जाया करती, लेकिन शहर में और विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तौर पर विकास के कार्य किए जाएंगे। हमारे क्षेत्र में हर वर्ग को काम मिलेगा और हमारा भंडारा का नाम और ऊंचा होगा। इस कार्यक्रम से व्यासपीठ पर अन्य पक्ष के नेता उपस्थित थे। शहर के लोग भी इस श्री राम के प्रतिमा अनावरण के खुशी में बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुठे उभाटा नेऊन राहिले जे प्रखर हिंदुत्वासाठी बाळासाहेब ओळखतात आणि एकीकडे तुमचे जिल्हा प्रमुख तुमचेच बगल बच्चे प्रभू श्री रामाच्या मूर्तीचा विरोध करतात आणि त्यांच्या खांद्यावर ठेवून काही लोक औरंगजेबची औलाद म्हणतात की नरेंद्र भोंडेकर को देख लेंगे, एक खासदार को तो गिरा दिए, आप दुसरे को गिरा देंगे। मी त्या औरंगजेबची औलादला सांगू इच्छितो, असे कितीही औरंगजेब आले तरी शिवाजी महाराजचा काय बाला बाखरा करू शकले नाही, त्या नरेंद्र भोंडेकरचे काय बिघडवतील। हे औरंगजेबची औलाद म्हणतात की मैं 50 प्लॉट बिक दूंगा, मैं इतने पैसे बिक दूंगा। अरे तुझ्यासारखे किती आले, 56 आले, तरी ही हिंदुत्वची लढाई आता थांबणार नाही। एक नाही, आज इकडे प्रभू श्री राम आले, उद्या सागर तलाव मध्ये शिवजी येतील, तिथे सुद्धा शिवलिंग उभारू, गरज पडेल तर तिथे मिस्किन टँकला सुद्धा। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए जाहिद शेख, भंडारा। मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, खरी तूच माय माऊली, तूच माय माऊली। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।